इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रविवार को देश में कोरोना के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में एक दिन में 1,00,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रजिस्टर किए गए हैं। कल 1,03,794 मामले दर्ज हुए, जो पूरी दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा है। इससे पहले 17 सितंबर को सबसे ज्यादा 96,787 मामले मिले थे, जिसके बाद यह आंकड़ा सिमटने लगा था, लेकिन इस बार वायरस सारी हदों को तोड़कर पीक पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1,03,794 मामले सामने आए हैं। भारत की अगर बात की जाए तो नए केसेस के मामले में अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर अब भारत पहले नंबर पर आ गया है। 24 घंटे में अमेरिका में 33,000 जबकि ब्राजील में 31,000 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। देश में सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 57,000 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि 222 लोगों ने जान गंवाई है। इस बीच बड़ी खबर IIT जोधपुर से भी आ रही है, जहां करीब 60 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी वो छात्र हैं जो पिछले दिनों जयपुर, चंडीगढ़ और गुजरात से आए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।